नमस्कार। इस वक्त हम हैं लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में, और लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में जो सोयाबीन की आवक है वो कहीं ना कहीं अब हम कहें कि उतार चढ़ाव की स्थिति में देखने मिल रही है। लगातार जिस तरह से पिछले दिनों सोयाबीन आना शुरू हुआ था, लेकिन अब जो सोयाबीन की आवक है वो कहीं ना कहीं मंदी और धीमी होती भी नजर आ रही है। हमारे साथ व्यापारी हैं रामलाल जी, उनसे सीधे जानते हैं कि आने वाले समय में सोयाबीन के क्या कुछ दाम रहने की संभावना है और किस तरह की डिमांड जो है बाजार में सोयाबीन की अभी वर्तमान में देखी जा रही है। रामलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि सोयाबीन की आज क्या स्थिति रही और आने वाले दिनों में हम क्या संभावना जता रहे हैं सोयाबीन को लेकर? तो सोयाबीन का आ रहे हैं 150 टेक्टर हमारे यहाँ, और 4,000 से लेके 44 45 तक बिक रही है। इस साल सोयाबीन वाले सब मर गए किसान, क्योंकि एक तो गीली सूखी कटी तो काली पीली बहुत हो गई, उससे माल किसानों के पैसे नहीं मिले, बेचारों के परेशान हो गए हैं। और सोयाबीन शुरू से ही मरती हुई गई है, 57 की सोयाबीन आके ये 44 हो गई, 1300 रुपये टूट गया सोयाबीन में ऊपर से नीचे। और आगे भी मेरे को तो कहीं दम भी दिख नहीं रही है, और अगर मई के बाद थोड़ी बहुत चाल चली तो 100-200 रुपये बढ़ जाएंगे, बस इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, और लगातार आवक जो है अब मंदी देखने मिल रही है सोयाबीन में, क्या कारण हो सकते हैं इसके? सोयाबीन किसान ऊंचे भाव में चाहिए किसान को, और एक भाव चल रहा कम, इसलिए किसान बेचू नहीं है माल का। अच्छा, तो हम कह सकते हैं स्टॉक कर लिया किसान ने? किसान के पास तो 3 साल का माल पड़ा स्टॉक में, खूब माल पड़ा किसानों के पास। अरे इस साल समझ लो सोयाबीन सब किसानों के पास ही, व्यापारी के पास तो बहुत नहीं के बराबर है। और जिसके पास है वो सब मर गया, इस साल व्यापारी भी मर गया किसान भी मर गया सर। अच्छा, डिमांड की बात करें तो किस तरह की डिमांड है सोयाबीन की? डिमांड ज्यादा नहीं है सर, देखो सोयाबीन में क्योंकि DOC बिकने रही है इनकी, खाली तेल के ऊपर बाजार चल रहा है बस। तो तेल तो यहाँ 17 किलो अपन यहाँ खा लेंगे, बाकी 83 किलो DOC विदेश जाएगी, वो DOC में मांग है नहीं, इसलिए सोयाबीन मर रही है सर। अच्छा, DOC में मांग जो है अब कम है, इसके कारण जो है असर पड़ रहा है दाम पर? DOC में मांग नहीं है, इसलिए DOC के कारण सोयाबीन की हालत खराब है सर। अच्छा, यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ किस तरह की आवक सोयाबीन की रहती है, कौन कौन सी क्वालिटी का सोयाबीन हमारे पास? सोयाबीन आता 93.05, 72.44, 91.05 जो जो है पैदा होती है, सब सब सोयाबीन आती है अपने यहाँ, सारी सारी जात की सोयाबीन आती है, जितनी तरह की पैदा होती है सब। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो आने वाले समय में क्या संभावना है, दाम लगातार बढ़ेंगे सोयाबीन के, और बढ़ेंगे तो कहाँ तक जाएंगे? नहीं, सोयाबीन में ज़्यादा नहीं, 200-300-400 रुपये की तेजी आएगी, ज़्यादा ज़्यादा 5,000 हो जाएगी ऊपर में, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अभी 44 45 हुए, ज्यादा ज्यादा 5,000 बस। अच्छा, इसके ऊपर नहीं आएगी सर। और सामान्य तौर पर लोग सोचते हैं कि सोयाबीन का तेल जो है अब महंगा हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं दाम पे असर जो है सोयाबीन की फसल पे भी पड़ेगा, ऐसा कुछ होता है? नहीं, सोयाबीन में तो तेल वेल में तो देखो 150 के ऊपर नीचे की तेजी मंदी चलेगी, नीचे का बाटम भाव दिखाएंगे तो थोड़ा ऊपर तो लाना पड़ेगा ना सर, क्या इसलिए थोड़ा ऊपर लाया है सोयाबीन के तेल को। बाकी यूँ लंबी तेजी मंदी नहीं है, जान नहीं जाना क्या सोयाबीन में लंबी जान नहीं है सर। अच्छा, तो निश्चित तौर पर देखिए, रामलाल जी थे व्यापारी है, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया है कि सोयाबीन का जो व्यापार है वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं प्रभावित होता नजर आएगा, जिसमें 100-200 रुपये की तेजी और मंदी का दौर जो है वो देखने मिलेगा। लेकिन स्पष्ट तौर पर ज्यादा तेजी या मंदी का दौर जो है सोयाबीन के व्यापार में देखने की स्थिति अभी नहीं बन रही। इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी से नमन मटके।